हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग है और मैं अभी गेहूं धुल रही हूं, क्योंकि ना ठंड के समय में गेहूं सुखाने में बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाती है। जैसे कि मेरे छत पे जो है ना पूरा धूप नहीं आता है, तो ये जो एक दिन में गेहूं गर्मी में सूख जाता है, मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड है, उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ, तो धुल भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ उनसे। तो चाय वगैरह मैंने पी लिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मैं गेहूँ धुल लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या किया यूट्यूब ने। मुझे बहुत ही गुस्सा है इस बात को लेकर, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग के पास कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपना जो चीज़ मेरा यूट्यूब ने डिलीट कर दिया वो चीज़ मुझे मिल जाए। मैंने दिवाली का ब्लॉग बनाया था मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, आफ्टरनून से लेके नाइट तक। तो जो मैंने मॉर्निंग से आफ्टरनून का बनाया था, काफ़ी मेहनत मेरी लगी थी, वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, दिवाली के समय ही मतलब उसे आप लोग जानते ही हो कितना ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है, बच्चों को देखना, पूजा देखना, सब कुछ करते समय मैंने उसको रिकॉर्ड किया था और उसे अपलोड किया। मैंने उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि किसी की निंदा हो, कोई मतलब उस वीडियो से डर जाए, या कोई भी ऐसा जो नियम होता है यूट्यूब का, मैंने वो नियम नहीं तोड़ा है। फिर भी पता नहीं क्यों यूट्यूब ने मेरा वो वीडियो डिलीट कर दिया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। यहाँ तक कि मुझे कोई मेल भी नहीं आया। मैंने यूट्यूब में देखा, काफ़ी वीडियो देखा, उसमें ये बताया गया कि अगर आपका वीडियो यूट्यूब डिलीट करता है तो वो एक मेल देता है और उस मेल से आप रिप्लाई कर सकते हो, अपना वीडियो वापस ले सकते हो, पर मुझे कोई भी मेल नहीं आया है। तो मैं अपना वीडियो कैसे वापस पाऊँ? और मुझे कुछ ज़्यादा इसमें नॉलेज भी नहीं है, मैं ज़्यादा मतलब इंग्लिश मेरा उतना ठीक नहीं है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि मैं अपना वीडियो कैसे वापस पाऊँ। तो प्लीज़, अगर यूट्यूब तक ये वीडियो जा रहा है, यूट्यूब अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे कि तो ईमेल करिए कि मतलब मेरी क्या गलती है, और वरना मेरा वीडियो जो है वो मुझे प्लीज़ वापस कर दीजिए। मैंने काफ़ी मेहनत किया था उस वीडियो में, बहुत अच्छा वीडियो बना था, और मैं बस यही रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि काफ़ी लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि मैं इसे किस पे कमेंट करूँ, लैपटॉप पे करूँ या किस पे करूँ। मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो वीडियो मेरे में सो ही नहीं कर रहा है। मैं रात को तो मैंने उसे मतलब दोपहर में अपलोड किया था, रात मतलब शायद शाम तक मैंने अपलोड किया था उसे, और जब मैं सुबह देख रही हूँ तो वीडियो गायब, तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने मतलब काफ़ी वीडियो देखा यूट्यूब पर, तो बताया गया कि यूट्यूब डिलीट कर देता है, अगर आप कोई भी यूट्यूब का कोई भी ऐसा नियम है जो आप नहीं पालन किए हैं तो वो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है। पर मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने कोई भी ऐसा उसमें अभद्र व्यवहार नहीं किया था, किसी की निंदा नहीं की थी, तो क्यों मेरा वीडियो डिलीट किया गया? मैंने कुछ उसमें डरावनी चीज़ें भी नहीं डाली थी, जैसे ब्लॉगिंग होता है डेली करती हूँ वही मैंने किया था, फिर भी मेरा वीडियो डिलीट कर दिया गया। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप में से किसी को भी पता हो कि वीडियो कैसे वापस पाया जाता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपना वीडियो वापस पा सकूं। और मेरा बहुत अच्छा वो ब्लॉग था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वो ब्लॉग, और बस मुझे इतना ही कहना है, और बस यूट्यूब मेरा वीडियो मुझे वापस कर दे बस। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पे आते तो हो और सब्सक्राइब भी करते हो, फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हो, ऐसा क्यों है? क्या मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं दूसरे के जैसा वीडियो नहीं बनाती हूँ? मैं भी अपना रूटीन दिखाती हूँ, जो मैं डेली काम करती हूँ वही रूटीन मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, फिर भी मुझे अनसब्सक्राइब करके आप अनसब्सक्राइब कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करिए, मैं शुरू से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। मैं अगर किसी के चैनल पे जाती हूँ, उसे सब्सक्राइब करती हूँ, तो अनसब्सक्राइब मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है अनसब्सक्राइब देख करके। अगर सब्सक्राइब किसी ने किया है YouTube स्टूडियो में, देखिए तो खुशी होता है, जैसे देखिए कि फिर 4 सब्सक्राइबर कम हो गए, तो बहुत दुख होता है। प्लीज़ फ्रेंड, हम बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी जो मतलब दिन भर का काम, भागा दौड़ी, उसमें वीडियो बनाना सब देखते हुए आप प्लीज़ मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, फुल वॉच नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 मिनट तो हमारे वीडियो पे बने रहिए प्लीज़ फ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करके जाइए, क्योंकि आप आते तो हो वीडियो पे, पर लाइक नहीं आता है, व्यूज़ जितना आता है उतना लाइक नहीं आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, मैं बस यही रिक्वेस्ट आप लोग से करती हूँ। और मैंने गेहूं धुल के फैला दिया है, फिर सीधे मैं किचन में आ गई हूँ, और सब्जी भी मैंने छत पे ही कट कर लिया था क्योंकि धूप इस समय काफ़ी अच्छी निकलती है। तो देखिए तेल जो है वो गर्म हो गया था, मैंने इसमें आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया था,
मेथी हल्का सा जब सौते हो गया था, मतलब भुना टाइप का, तो मैंने लहसुन और मर्चा डाल दिया था। ये जब गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें परवर आलू जो मैंने कट किया था वो डाल के हल्दी नमक डाल के बस इसे ऐसे ही रेड होने तक भून लूँगी। और यहाँ पर मैं चावल भीन लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि रोटी मैंने बना ली है, भुजिया भी मेरी बन रही है और चावल भी मैं चुन लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, भुजिया जो है करारे करारे भुजिया तैयार हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं दाल चावल के साथ। सिंपल, कोई भी मसाले मैंने इसमें नहीं ऐड किए, ऐसे ही ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल भी बैठा दिया है। आज मैंने चावल कुकर में नहीं बनाया है, आज मन कर रहा था ना कि पतीले में चावल बनाऊं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पतीले में चावल नहीं बनाई थी। तो अभी सीधे शाम को मिल रही हूँ आपसे, दिन भर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो यहाँ मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं और अब मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ना मैंने कंघी बिल्कुल नहीं उठाई थी, बाल ऐसे ही लपेट के बस मैं घूम रही थी, सुबह से ही बाल नहीं झाड़ी थी। तो शाम को ही अभी को मैं बाल अपना जो है वो झाड़ लूँगी। और छवि का बाल मैंने बना दिया है, वो बाहर घूमने गई है। अब मैं तारक मेहता देख रही थी, काम भी कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे छत पे भी जाना है। तो आप ये अभी थोड़ा आलस आलस टाइप का लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? तो अभी देखिए, आज जो दिन है वो मंडे है और तारीख है 8 नवंबर, और अभी समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी मैंने झाड़ू और जितना भी बर्तन था ना वो सारा मैंने क्लीन कर लिया है। घर भी क्लीन हो गया है, जो थोड़े से बिखरे थे घर वो भी मैंने सेट कर दिया है, और कपड़े भी मैंने फोल्ड कर लिए हैं, लेकिन अभी मैंने अलमारी में उसे नहीं लगाया है। तो अभी छत पे जो है ना, सुबह में मैंने गेहूं धोया था, तो गेहूं तो सूखा ही नहीं है, बस मुझे उसे समेट के ऐसे ही रख देना है, क्योंकि कल फिर मैं डालूंगी। अब ठंड का समय आ गया है ना, तो क्योंकि मेरी छत पे ना प्रॉपरली धूप नहीं आती है, पूरी धूप नहीं आ पाती है, तो इसलिए अब ठंड में मुझे गेहूं सुखाने में थोड़ा दिक्कत होगा और 2-3 दिन लग जाते हैं गेहूं को सूखने में। तो अभी मैं जाऊंगी छत पे और गेहूं उठाऊंगी। तो कपड़े फोल्ड में कर रही थी ना, तारक मेहता आ रहा था, वही मैं देख रही थी। अच्छा लगता है, कॉमेडी है, अच्छा लगता है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा कभी कभी मन करता है तो मैं देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब जो है ना मौसम चेंज हो गया है, ठंड जो है वो बढ़ रही है और बच्चे जो है ना वो बाहर खेल रहे हैं, तो मुझे भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी देखिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है, क्योंकि अभी मैं ना छत पर से ही आ रही हूँ कपड़े लेकर, और जब कोई भी काम करिए ना तो अभी गर्मी हो रही है, तो अभी मैं काम करके आई हूँ ना, तो मुझे थोड़ा गर्मी लग रहा है, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। तो चलिए अभी चलते हैं छत पर गेहूँ उठाने के लिए, फिर हूँ क्योंकि अभी तो सोचूंगी ना तो डिनर बनाने में आसानी होगी, अगर तत्काल सोचूंगी ना तो सोचती ही रह जाऊंगी, क्योंकि अभी इस मौसम में कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या बनाएं। और सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी कि क्या बताऊं, 80 रुपया किलो जो है हमारे यहाँ टमाटर मिल रहा है, और 20 रुपया किलो पुराना आलू, नया आलू 50 रुपया किलो हो गया है। तो अभी वैसे सब्जी है घर में, सारी सब्जी है, बैंगन है, परवर है, परवर मैंने सुबह में बनाया था, थोड़ा सा रखा है, और सेम है, पत्ता गोभी है, सब्जी है अभी, पर बनाने का समय आता है ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम चलते हैं छत पर गेहूं उतारने, मैं आपको दिखाती हूँ। गेहूं को मैंने ना ढक दिया था कि कोई भी जैसे कबूतर वगैरह हो ना तो खाते तो हैं, खाते हैं कोई बात नहीं है, मैंने वैसे भी छीट दिया है थोड़ा सा खाने के लिए, पर वो लोग ना उसमें गंदगी भी कर देते हैं, इसकी वजह से मैं इसे ढक के रखती हूँ, दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। मैं साड़ी से इसे कवर कर देती हूँ, फिर भी देखिए वहां से सांस फूल रहा है, ऊपर आई हूँ तो कबूतर लोग जो है ना वो खाए हैं। तो अभी मैं समेट लेती हूँ, सांस फूल रहा है। तो फ्रेंड्स ट्राईपोड नहीं है ना, इसलिए मैं समेटती हुई दिखा नहीं पाऊंगी। तो अभी 2 मिनट आप वेट करिए, मैं गेहूँ समेट लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने गेहूँ को रख दिया है, और यहाँ देखिए उधर वहाँ पर देखिए, अभी से जो है ना कूड़ा होने लगा है, ये देखिए पूरा, ये पूरा एरिया जो है, अभी जब थोड़ा और शाम होगा ना, जैसे कि अभी
5 बज रहे होंगे, तो अभी थोड़ा सा और जब कोहरा शाम होगा ना तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा मतलब घिर जाएगा। अभी मैं भी बहुत दिन बाद आई हूँ छत पर आज, और आइए मैं दिखाती हूँ कि गेहूँ मैंने कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये अभी छवि का जो है ना गंजी यहाँ पे छूट गया, इसे भी मैं उठा लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे गेहूँ रख दिया है। मैं गेहूँ यहीं पे रखती हूँ क्योंकि सूखा नहीं रहता है ना, तो यहीं पे रख देती हूँ, और जब वो सूखा रहता है तो नीचे लेके चली जाती हूँ। और फ्रेंड्स ये वाला सूट जो है ना ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ इसमें, इतनी हूँ नहीं, पर इसको पहनने से ना जैसे कि फ्रॉक वाला सूट पहनने से ना थोड़ा सा मोटी ज़्यादा दिखती हूँ। तो बहुत दिन बाद छत पे आई हूँ इसलिए, अकेली हूँ, छवि और रुपेश नीचे है, छवि गई है खेलने के लिए।